ये कहानी है ऐसे राष्ट्रपति की जिसने डॉक्टर अब्दुल कलाम का कर दिया था ट्रांसफर, जिसने देश को बनाया था मिसाइल पावर, जिसने राज कपूर के लिए तोड़ दिया था प्रोटोकॉल। ये कहानी है वकील, स्वतंत्रता संग्रामी, महान राजनेता, भारत के आठवें राष्ट्रपति की। ये कहानी है रामास्वामी वेंकटरमन की। वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में तंजोर के निकट हुआ था। उनकी ज्यादातर शिक्षा दीक्षा राजधानी चेन्नई में ही हुई थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास के ही लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में सन 1935 से वकालत शुरू की और 1951 से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। वकालत के दौरान ही उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद वकालत में उनकी श्रेष्ठता को देखते हुए उन्हें देश के उत्कृष्ट वकीलों की टीम में स्थान दिया। 1947 से 1950 तक वे मद्रास प्रांत की बार फाउंडेशन के सचिव पद पर रहे। कानून की जानकारी और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण वे जल्द ही राजनीति में आ गए। सन 1950 में उन्हें आजाद भारत की अस्थायी संसद के लिए चुना गया। उसके बाद 1952 से 1957 तक वे देश के पहली संसद के सदस्य रहे। वे सन 1953 से 1954 तक कांग्रेस पार्टी के सचिव पद पर भी रहे। 1957 में संसद के लिए चुने जाने के बावजूद रामास्वामी वेंकटरमन ने लोकसभा की सीट से इस्तीफा देकर मद्रास सरकार में एक मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने उद्योग, समाज, यातायात, अर्थव्यवस्था व जनता की भलाई के लिए कई विकासपूर्ण कार्य किए। 1967 में उन्होंने योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया और उन्हें उद्योग, यातायात व रेलवे जैसे प्रमुख विभागों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1977 में दक्षिण मद्रास की सीट से उन्हें लोकसभा का सदस्य चुना गया, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेता की भूमिका निभाई। 1980 में लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया और उसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने ही देश में मिसाइल कार्यक्रम की बुनियाद रखी। वैसे जब भी देश में मिसाइल मैन का नाम आता है तो सबकी जुबा पर डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम आता है। ये सही भी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आर वेंकटरमन वह शख्स रहे जिन्होंने देश में मिसाइल कार्यक्रम की बुनियाद रखी। साल 1979 में DRDO के चेयरमैन राजा रमन्ना ने देश के एक ऐसी एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम पर काम करने का सुझाव दिया जिसमें मिसाइल का निर्माण देश में ही किया जा सके। इसके बाद साल 1982 में इस परियोजना को पंख लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रक्षा मंत्री आर वेंकट रमन ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। साल 1982 में केंद्र सरकार ने एक मिसाइल स्टडी टीम का गठन किया। उस टीम की कमान APJ अब्दुल कलाम को सौंपी गई। उनको रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर कलाम DRDO में आने से पहले अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम कर रहे थे। उनको डिफेंस प्रोग्राम में ट्रांसफर आर वेंकट रमन ने ही किया था। 1982 में आयोजित एक उच्च स्तरीय मीटिंग में मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का पूरा आउटलेट दिखाया। इस बैठक में इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री वेंकट रमन, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, PMO के प्रधान सचिव, एक कैबिनेट सचिव, DRDO के अध्यक्ष VS अरुणाचलम और अब्दुल कलाम मौजूद थे। कलाम ने तो पहले 5 मिसाइल को अलग अलग चरणों में विकसित करने का सुझाव रखा था, लेकिन वेंकट रमन ने कहा कि सभी मिसाइल प्रोग्राम पर एक साथ काम करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आज देश मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की श्रेणी में आता है। वेंकट रमन अगस्त 1984 में देश के उपराष्ट्रपति बने। इसके साथ ही वे राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान वे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के अध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान 1987 का राष्ट्रपति चुनाव आ गया। वैसे राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में होता है। कई बार ये चुनाव बड़ी आसानी से होते रहे हैं, तो कई बार ऐसे पेच फंसते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हर जोर अजमाइश करते हुए दिखते हैं। अगर बात करें देश के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन की चयन की, तो यहां भी काफी गहमागहमी हुई थी। 1987 की गर्मियां कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पर राजीव गांधी के लिए खुशनुमा तो नहीं थी। तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह और राजीव के बीच तनातनी का दौर था और उस वक्त राजीव की कुर्सी भी खतरे में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था
कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच जोर आजमाइश हो जाएगी। दरअसल उस वक्त कांग्रेस के पास 2/3 मत थे। कांग्रेस बड़ी आसानी से आर वेंकट रमन को राष्ट्रपति बनवा लेगी। लेकिन तभी मामले में ट्विस्ट आ गया। विपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनने में असफल रहा। ऐसे में विपक्ष के नेता कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म कर रहे ज्ञानी जैल सिंह को चुना। कांग्रेस के भी कुछ असंतुष्टों ने इस माहौल को भांप लिया। लोकसभा के करीब 40 सांसद और राज्य के करीब दर्जन भर नेता राजधानी में जुट गए। इसके कुछ दिन बाद ही राष्ट्रपति से बड़े नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी हो गया। वे सभी ज्ञानी जैल सिंह को इस चुनाव में खड़े होने के लिए आग्रह कर रहे थे। हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल ने जैल सिंह का समर्थन कर दिया, लेकिन जैल सिंह ने तमाम नेताओं को यह कहते हुए कि इन प्रस्तावों को विचार करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए, ऐसा कहकर जैल सिंह कलकत्ता चले गए। हालांकि जैल सिंह ने मन ही मन फैसला कर लिया था और उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने का फैसला नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस में एक और बगावत होते होते रह गई। जैल सिंह के इनकार के बाद वेंकट रमन का राष्ट्रपति चुना जाना महज औपचारिकता भर रह गई। दरअसल वामपंथी दलों ने वेंकट रमन के सामने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे बीआर कृष्णा अय्यर को अपना उम्मीदवार बनाया था। अय्यर तो वेंकट रमन को टक्कर भी नहीं दे सकते थे। अय्यर को जहां महज 2,81,550 वोट मिले, वहीं वेंकट रमन को 7,40,148 वोट मिले। 25 जुलाई 1987 को वेंकट रमन देश के 8वें राष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 तक रहा। वेंकट रमन को लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। दरअसल बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को 1988 में देश के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के दिया जाना था। उस दौरान राज कपूर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके वह पुरस्कार लेने दिल्ली आए। जब राज कपूर पुरस्कार लेने पहुंचे तो वह ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चेयर पर बैठे थे। जब उनका नाम पुरस्कार के लिए घोषित हुआ तो वह कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह उठ नहीं पा रहे थे। इस बात को वेंकट रमन समझ गए और खुद चलकर उन्हें पुरस्कार देने पहुंचे। आर वेंकट रमन ने तो अपने कार्यकाल के दौरान 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। उन्होंने 1988 में वीपी सिंह को पीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन 1979 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद वेंकट रमन ने चंद्रशेखर को पीएम पद की शपथ दिलवाई। इसके बाद देश में मध्यावधि चुनाव हो गए। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वेंकट रमन को दूसरा कार्यकाल भी मिल सकता है, लेकिन उनके डिप्टी रहे शंकर दयाल शर्मा को देश का 9वां राष्ट्रपति चुना गया। वेंकट रमन अपने बेदाग इमेज के लिए मशहूर रहे। चाहे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहा हो या फिर राष्ट्रपति का, उन्होंने संविधान के अनुसार चीजों का संचालन किया। उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया। अपने अनुभवों को लेकर उन्होंने किताब भी लिखी है, जिसमें अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के सम्मान में देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अवधि में कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होंगे और सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगे आधे झुके रहेंगे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के बाद होने वाले मीटिंग रिट्रीट तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रधानमंत्री की रैली समेत सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए। बुधवार 29 जनवरी को नई दिल्ली में एकता स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके दामाद केबी वेंकट ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस तरह सर्वधर्म प्रार्थना और 21 तोपों की सलामी के बीच वेंकट रमन का पार्थिव शरीर पंचतंत्र में विलीन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।